फोर डीज फॉर टाइम मैनेजमेंट, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केकर, मैं सन्मित्रा बन कॉपरेट बैंक का चेयरमैन हूं। बैंक के जो बोरोअर्स हैं उनके लिए हम बिजनेस वर्कशॉप्स ट्रेनिंग्स लेते रहते हैं, तो उसमें का एक पार्ट करके मैं आज आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूं और मैं पब्लिश कर रहा हूं। चार डीज कौन से हैं टाइम मैनेजमेंट में? क्या होता है कि सब लोग बोलते हैं कि हमको टाइम नहीं, टाइम नहीं, टाइम नहीं, सबकी बोम रहती रहती कि टाइम नहीं है, समय नहीं पूरता। वो इसलिए कि सब काम हम खुद ही कर लेते हैं और खुद सब काम हम पे ले लेंगे तो टाइम पूरेंगे ही नहीं। पहला क्या डी है? पहला है डू। डू मतलब मुझे कौन सा काम करना है और मुझे यही करना पड़ेगा, वही काम मैंने करना है। तो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी जिसमें है, जिसमें मैं एकदम दादा हूं, मास्टर हूं, वो काम मैंने करने का है। मेरे बिजनेस में जो मुझे आता नहीं वो काम मैंने नहीं करने का है। तो जिसमें दादा हूं, कोर कॉम्पिटेंसी है, समझो मैं साइकियाट्रिस्ट हूं, मनोविकार तज्ञ हूं, डॉक्टर हूं, तो मेरा काम क्या है? पेशेंट तपासना, बस वही करना है मैंने, डूइंग। तो जो काम आपको ही करने हैं वो आपने करने हैं, बाकी डूइंग में वो काम नहीं आते जो आप किसको दे सकते हैं, तो डू। दूसरा डी क्या है? डेलीगेट। जो भी काम अपने तरफ आया हुआ है वो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है, उसमें मैं माहिर नहीं हूं, दादा नहीं हूं, मैं वो काम देख के देख सोचना है कि भाई ये काम मैं किसको दे सकता हूं, मेरे पास में जो भी कर्मचारी है, स्टाफ है, उसको मैं किसको दे सकता हूं, किसको डेलीगेट कर सकता हूं, किसको सौंप सकता हूं। मैंने डेलीगेशन के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वर्कशॉप में लेता हूं डेलीगेशन के ऊपर। तो डेलीगेट करना है लोगों को, मतलब देना है, सौंपना है वो काम, वो आपने करना नहीं है, और वो काम आप सौंप देंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। तो कुछ डू है, दूसरा है डेलीगेट, तीसरा है डिले। कुछ काम जो है वो डिले कर सकते हैं आप, डिले कर सकते हैं मतलब आपने वो काम थोड़ा पोस्टपोन कर सकते हैं, ठीक है बाद में करेंगे। तो इसमें दो प्रकार के काम होते हैं, कि एक तो अर्जेंट नहीं है, आपको करना है मगर वो बाद में कर सकते हैं, 3 दिन बाद में, 4 दिन बाद में कर सकते हैं, आज करने की जरूरत नहीं, जब भी कभी समय फ्री मिल जाएगा उस समय वो काम कर सकते हैं, डिले। समझो मुझे सलून जाने का है, सलून जाने का ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आज ही जाना है या कल ही जाना है, जब मुझे ऐसा फ्री टाइम मिल जाएगा उस समय मैं एडजस्ट करके सलून जाके मैं कटिंग कर सकता हूं। तो डिले, एक वो डिले। और दूसरा कौन सा डिले? कुछ काम मैं थोड़ा लेट करता हूं तो क्या होता है कि वो काम हो ही जाता है, वो आदमी जो है मेरे पास में आया हुआ है कि ये काम करो, वो और कहीं किसी के पास में जाके वो काम कर लेगा। जैसा कोई सवाल लेके मेरे पास में कोई कर्मचारी आता है, मैं बोलता हूं कि नहीं अभी मत, नहीं ये मुझे, मैं आपको इसका कल बताऊंगा जवाब क्या है। तो जब कल बोला उसको तो फिर वो तब तक कहीं ना कहीं उसका आंसर वो ढूंढ के लेता है, किसको और पूछता है और वो कर लेता है काम। मतलब मेरा उसमें समय जाता नहीं है, वो मैं डिले कर दिया तो वो काम हो जाता है। ये तीसरा डिले है, डिले करना, थोड़ा आगे ढकेलना। चौथा है वो है डंप। चौथा डी, डंप मतलब वो बास्केट में डाल देना, वेस्ट पेपर बास्केट। वो डंप क्या है कि जो काम करने की आपको जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहिए आपने, वो फालतू आपके अंग ऊपर आया हुआ काम है, जबरदस्ती लादा हुआ है, वो काम करने नहीं, वो वेस्ट पेपर बास्केट में डालने का है। इसमें कौन से काम आ सकते हैं? डम करने वाले, फालतू गपशप करना, चिटचैटिंग करना, फिर कोई ऐसे कोई खत आते हैं उसका जवाब देना। अभी मुझे कल ही खत आया कि भाई अकोला में कोरोना की स्थिति जो गंभीर हो रही है, इसके लिए जो अधिकारी वर्ग जिम्मेदार है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। अब इसके ऊपर मेरे को करना क्या है? मैं तो अधिकारी हूं नहीं कि मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूं, ना मैं पॉलिटिकल आदमी हूं कि भाई उनके ऊपर कुछ करूं, मुझे कुछ करना नहीं। उसने मुझे कॉपी भेज दिया, सामने वाले ने, सब तरह उसने कंप्लेन कर दिया, चीफ मिनिस्टर से लेकर सब तरह प्रधानमंत्री तक, और मुझे कॉपी, उसका मेरे को करना क्या? मैंने उसको फाड़ के फेंक देने का है। या कहीं कभी आमंत्रण आता है किसका, पता ही नहीं वो आदमी कौन है, वो किसके तो भी हाथ से अपने को आमंत्रण भेज देता है, कोई फंक्शन है, रिसेप्शन है किसका, मुझे याद भी रहता नहीं, उसने फोन भी किया नहीं रहता है, उसने किसके तो भी हाथ में वो पत्रिका भेजी रहती है, और वो कोई गट्ठे में, अपन कोई एसोसिएशन के मेंबर है करके वो सब लोगों के साथ में गट्ठे में आई रहती है, उसको भी मालूम नहीं कि उसने अपने को इन्वाइट किया हुआ है, वो डम करने का है। तो ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं ऐसे कि आप वो डम करेंगे तो आपका समय बच जाएगा। तो पहला है डू, मतलब खुद ने करना, दूसरा है डेलीगेट, सौंपना, तीसरा है डिले, मतलब आगे ढकेलना, या उसको बाद में की टाइम देना, बाद में का टाइम देके उस समय पे करना, अभी करने की जरूरत नहीं है, राइट नाउ करने की जरूरत नहीं है, डिले। चौथा है डंप, मतलब उसको वेस्ट पेपर बास्केट में डाल देने का। तो ऐसे ये काम है, ये चार डी आप अपनाते तो आपका काफी टाइम मैनेज हो सकता है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो। हमारा जो मकसद है वो है फाइनेंशियल फ्रीडम टू एवरीवन, उसमें आप हमारे पार्टनर बन जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।
गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केयर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत ज्यादा अपने खुद के लिए फायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।